नमस्कार आप सभी को, मैं हूं ज्योति सिन्हा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूं कि घर में दीमक लग जाते हैं, जैसे कि किताब कॉपी में, जैसे वुड या लकड़ी के फर्नीचर में, इन सभी में दीमक लग जाते हैं, तो इसे कैसे हटाएं, आइए दिखाती हूं कि दीमक लगे हुए हैं। ये देखिए लकड़ी के हमारे ये अलमारी है, तो ये देखिए अलमारी के ऊपर ये देख रहे होंगे आपको, ये दीमक लगे हुए हैं। ये इस तरह से अलमारी में और किताब कॉपियों में, इन सभी में दीमक लग जाते हैं, बिल्कुल खोखला कर देते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ खोखला कैसे कर दिया है। ये देखिए लकड़ी के, देखिए दीमक कैसे लग चुके हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। और इसे देखिए किस तरह से ये सारे लकड़ियों में ये घुस के बिल्कुल लकड़ी को खोखला कर देता है। तो इनसे आपको बचने की मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, जिससे आप यूज करते हैं तो इससे दीमक नहीं लगेंगे। तो आइए मैं बताती हूँ। देखिए धूप में इसे आप 3 से 4 दिनों तक रख दे किसी भी फर्नीचर को या किताब कॉपियों को, तो आप बहुत अच्छी तरह से इस तरह से छोड़ दे रखिए, तो इससे भी दीमक हट जाती है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है करेले लें, करेले को काट लें और इसके जूस निकाल लें, और जूस निकालने के बाद इसे स्प्रे बोतल में डालें और इससे स्प्रे कर दें, तो उससे भी दीमक हट जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए दीमक लग जाते हैं तो क्या होते हैं कि ये देखिए हमारे पास ये नीम के पत्ते हैं, तो नीम के पत्ते को आप इस तरह से तोड़ लें, और तोड़ने के बाद क्या है कि इसके भी आप इसे भी बॉईल करने के बाद और इसके थोड़े से रस निकलेंगे, तो इसके भी इससे भी स्प्रे करते हैं तो दीमक हट जाते हैं। दीमक लग गया है तो नमक लें, नमक को ये आप रख दें जहां पे दीमक लगे हुए हैं उस जगह पे, तो इससे भी दीमक बिल्कुल हट जाते हैं। पांचवा तरीका है कि अगर ये देखिए हमारे पास है फिनाइल की गोली है, तो फिनाइल की गोलियों को इस तरह से देखिए होते हैं, ये देखिए ये गोल गोल से होते हैं, तो इसे आप पाउडर जैसे बना लें और जहां पे दीमक लगे हुए हैं उस जगहों पे आप अगर इसे डाल देते हैं तो इससे भी दीमक हट जाते हैं। ये देखिए बाजार में मिलते हैं दीमक हटाने के लिए, आप इससे भी दीमक को हटा सकते हैं। इसको क्या करें कि आप स्प्रे वाला इस तरह का बोतल लें, इसमें आप भर लें और इससे स्प्रे करके जहां पे भी दीमक लगे हुए हैं उससे स्प्रे करें और इसे छोड़ दें। आप इसके स्मेल बहुत ही आपको नाकों में लगे, तो इसलिए नाकों को बंद कर लें और फिर स्प्रे करें, जिससे भी दीमक हट जाएंगे। तो आपको जो जिससे चाहे उससे हटा सकते हैं। ये देखिए दीमक हटाने के ये 6 टिप्स थे, जो आप इसे फॉलो करते हैं तो दीमक बिल्कुल हट जाते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।